शंकर महादेव धोरण 12 हिंदी बराबर आपणे पहेलो वीडियो अपलोड कर्यो प्रथम परीक्षा आईएमपी माटेनो ए हतो गुजरातीनो बराबर एमां चर्चा करी के इंग्लिश नो ग्रामर आईएमपी बधुं आवतुं रहेशे ए तो कायदेसर तमने लेक्चर ज मळशे आईएमपी नहीं मळे लेक्चर में तमारे सेट थई जशे बराबर एना पछी आपणे मूकीए छीए हिंदी बराबर हिंदी में प्रथम परीक्षा नो कोर्स रेडियम की आत्मकथा त्यां सुधी पूछावानुं छे बराबर आना माटे तमारे प्रिपरेशन शुं करी तो मैं जेम गुजराती में सलाह आपी थी सेम आमा सलाह आपीश के तमारे अनुक्रमणिका तैयार करी देवी बराबर तमारे अनुक्रमणिका तैयार करी देवी एमा कविनुं नाम के लेखकनुं नाम अने एनो पाठनो प्रकार अथवा तो काव्यनो प्रकार साहित्य प्रकार जेने कहेवाय आटलुं तैयार करी ज नाखुं आना सिवाय अगर एनु कोई उपनाम होय बराबर एनु कोई उपनाम होय तो तमारे ए तैयार करी नाखवानुं कविनुं के लेखकनुं अने ए पाठ क्यांथी लेवामां आव्यो होय कदाच एवुं होय एवो टॉपिक होय तो तमारे ए पण तैयार करवुं पड़शे तो आपणे अत्यारे टाइम ना बगाड़ता वधीए छीए चेप्टर नंबर एक उपर कृष्ण भक्ति बराबर पतिओ छे लेक्चर चालू पद्य एक कृष्ण भक्ति એનું આઈએમપી આપું છું તમારા શબ્દાર્થ તૈયાર કરી નાખવાના ક્વેશ્ચન વ્રજ મે કૃષ્ણ દ્વારા હોલી ખેલને કા વર્ણન કીજીએ આઈએમપી છે બોર્ડમાં પૂછાઈ ગયો છે બરાબર કૃષ્ણ કેસે હોલી ખેલ રહે બરાબર તો એમાં બી થયું તૈયાર કરી નાખવાનું મીરા કો કિસને આને કે લીએ કહા હે બરાબર બે ત્રણ વાર પૂછાઈ ગયો છે કૃષ્ણ क्या कर रहे हैं एक एवो सवाल छे तैयार करना कौन कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं एनो जवाब छे तमार पछी बोर्ड में पूछायेलू गिरी को धारण करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए ते पूछायेलू छे ते तमारे तैयार करी लेवानू तो स्वाध्यायनी अंदर जे तमने भाई व्याकरण नो जे भाग आपे छे ने ग्रामेटिकल पार्ट ए तमारे तैयार करी नाखो एटले तमारे एग्जाम माटे एनी प्रिपेरेशन थई जाय बराबर गाइड में आप्युं छे बराबर गाइड ना होय तो પછી તમારે બીજો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવો પડશે કે સ્કૂલમાં ચલાયેલું ગ્રામર તૈયાર કરવું પડશે ચેપ્ટર નંબર 2 નમક કા દારોગા બરાબર ઉસકે શબ્દાર્થ એનો શબ્દાર્થ તૈયાર કરના કોણ પ્રશ્ન પંડિત આલોપી દિન કે વ્યક્તિત્વ કા પરિચય દીજીએ બરાબર પંડિત આલોપી દિન ને वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया बराबर आईएमपी प्रश्न पंडित आलोपी दिन कौन थे वंशीधर किस विभाग के दारोगा थे वंशीधर ने पुल पर क्या देखा पंडित आलोपी दिन को किसने हिरासत में लिया वंशीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई नमक विभाग के दारोगा के पद पर किसकी नियुक्ति हुई चैप्टर नंबर 3 एक क्वेश्चन छे चैप्टर नंबर 3 और 2 ની વચ્ચે પુસ્તકાલય જ્ઞાન કા ભંડાર ક્યું હે એક એ વાંચીને જજો બરાબર ચેપ્ટર નંબર 3 કાન ભય બસ બાંસુરી કે કાન ભય બસ બાંસુરી કે શબ્દાર્થ એમાં તમે તૈયાર કરજો ગોપિયા બાંસુરી સે ક્યું ઈર્ષ્યા કરતી હે रसखान के दोनों सवैयों के आधार पर उत्तर लिखिए बराबर आईएमपी क्वेश्चन पची कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए गोपिया कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है गोपिया कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती गोपिया व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है कृष्ण को किसने मोह लिया है गोपिया कृष्ण की मुरली को क्या समझती है कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे
फोर नंबर चार नंबर नो चैप्टर अकेली शब्दार्थ करवाना सोमा बुआ का चरित्र लिखिए मोस्ट टाइम भी बोर्ड में पूछाई गयेलू सोमा बुआ ने अंगेठी क्यों बेच दी सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपये थे सोमा बुआ के पति क्या करते थे कंप्यूटर से क्या आशय है 23 नंबर ना पेज ऊपर आंसर है ब्राउजर किसे कहते हैं वो भी 23 नंबर के पेज पे बराबर आगे चैप्टर नंबर 5 भारत स्थिर रत्न भरत शब्दार्थ वाचवाना भारत स्थिर रत्न कविता का भावार्थ लिखिए बोर्ड में पूछे गयु बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ बोर्ड में पूछे गयु सिंहनी क्यों गरजने लगी बोर्ड में पूछे गयु बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा बोर्ड में पूछे गयु शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था बोर्ड में पूछे गए लो बालक का लालन पालन कहाँ हुआ था बोर्ड में पूछे गए लो बालक भरत के माता पिता कौन थे अथवा तो भरत के माता पिता का नाम क्या था बोर्ड में पूछे गए बराबर आटलू तैयार करवानू चैप्टर नंबर 6 घर शब्दार्थ तैयार करवाना लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था घर बेचने से माँ को क्यों दुख हो रहा था लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया बोर्ड में पूछे गए गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था बोर्ड में पूछे गए लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था बोर्ड में पूछे गए लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा बोर्ड में पूछे गए पुराना घर जर्जरित हो रहा था विशेषण पहचानी बराबर तो आमाथी आवुं पण पूछाई गयुं छे लानुं व्याकरण वाँची लेजो बराबर आगळ वधीए शब्दकोश किसे कहते हैं आ क्वेश्चन पूछाई गयो छे पेज नंबर 32 पर जो वाँची लेजो 7 नंबर बादल को गिरते देखा है बराबर आना शब्दार्थ वाँची लेवाना बादल को गिरते देखा है कविता में कवि की सौंदर्य की नैसर्गिकता का वर्णन कीजिए मोस्ट टाइम बराबर बोर्ड में पूछे गए हाँ हंस किससे उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं बराबर आईएमपी क्वेश्चन बादल को गिरते देखा है कविता किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है बादल को गिरते देखा है कविता में कवि ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है ना बोर्ड में पूछे गए लोग मानसरोवर सरोवर में कमलों के ऊपर क्या गिरने से चित्र मन मोहक लगता है अगरनो बीजो मोस्ट टाइम ही प्रश्न बोर्ड में पूछा है लो हंस झीलों में क्या खोजते हैं झीलों में नहीं हो झीलों में कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलिल में किसको तैरते देखा है बोर्ड में पूछा है लो ऋतु वसंत का सुप्रभात था ऋतु वसंत का सुप्रभात था काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए बराबर बोर्ड में पूछा गयु आप आगनु चैप्टर चैप्टर नंबर 8 चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग शब्दार्थ तैयार करवाना ओके सिरकम का टिकट रद्द होने का क्या रहस्य था गोरे मुखिया और गांधी जी के बीच झगड़ा क्यों हुआ गांधी जी ने सिरकम कंपनी के एजेंट को चिट्ठी क्यों लिखी उसका क्या उत्तर प्राप्त हुआ बोर्ड में पूछे गए लोग क्वेश्चन है बराबर अगर गोरे अफसर ने गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया बोर्ड में पूछे गए जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात कहां रुकना पड़ता था बोर्ड में पूछे गए अब्दुल्ला सेठ ने किसे तार किया गांधी जी ने किसे अन्याय माना बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन गांधी जी को क्या देखकर तसल्ली हुई बोर्ड में पूछे गए प्रश्न सिक्रम किससे चलती थी तो सिक्रम किससे चलती थी घोड़ों से बराबर
मनी ऑर्डर किसे कहते हैं? 40 नंबर 40 नंबर ना प्रश्न पेज ऊपर आ जवाब छे। अने डाकघर किसे कहते हैं? 41 नंबर ना क्वेश्चन ऊपर आंसर छे। बे बोर्ड में पूछे गया छे, ला करी नाखजो। आगनो चेप्टर 9 बाढ़की संभावना है, पद्य छे, शब्दात वाची नाखवाना। कवि सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गजल क्यों सुनाना चाहते हैं? बराबर। आदमी को झुनझुना कहने का क्या तात्पर्य है? घर कहाँ बने हुए है? कवि दुष्यंत कुमार की कविता में घर कहाँ बने हुए? बहन मतलब एक है, बोर्ड में पूछा गया। दरख्तों के तने कैसे है? बराबर। कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहते? बराबर। आटलू आमादी जाए, आमादी एक मास में लगभग पूछा से। चैप्टर नंबर 10 कारतूस, शब्दार्थ वाची लेवाना। वजीर अली ने कंपनी वकील की हत्या क्यों की? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया। वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, इस विधान को स्पष्ट कीजिए। बराबर। आईएमपी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया। शहादत अली कौन था? वह वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझता था? कंपनी का क्या हुक्म था? वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, ऐसा सवार ने क्यों कहा? बोर्ड में पूछे गए लो क्वेश्चन। वजीर अली का लक्ष्य क्या था? बोर्ड में पूछे गए लो क्वेश्चन। कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए? तेनो जवाब आवशे 10। शब्दार्थ पूछाय छे, नीचे व्याकरण में छे, करी लेजो। बराबर। आगळ अग्यार नंबर, जो बीत गई सो बात गई। बराबर। शब्दार्थ वाची लेवा। कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा क्या संदेशा देना चाहते हैं? बड़ों पूछे गए क्वेश्चन छे। पछि मधुगढ़ और मनुष्य जीवन में क्या समानता पाई जाती है? स्पष्ट कर। मोस्ट टाइम पी छे, भला आम टीकना करेलो है। मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होगी? तैयार करवानो आईएमपी छे। कवि सच्चे मधु से जला हुआ शब्द का प्रयोग किसे किसके लिए करते हैं? मोस्ट टाइम पे तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता? कलिया और वलरिया किसका हिस्सा है? जो बीत गई सो बात गई कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। जीवन में मधु का प्याला था। बराबर। नीचे ऑप्शन आप ही हो से, तो ये आई एम पीछे तुमने तन मन दे डाला था, पूरु करवा। बराबर। पछी जो बीत गई, पछी नीचे ऑप्शन आप यहाँ से, तो सो बात गई। बराबर। बोर्ड में पूछा ही गया बे एमसीक्यू होता। छेल्लू चैप्टर 12 रेडियम की आत्मकथा, शब्दार्थ तैयार करना कोना। रेडियम की उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन कीजिए, पूछा है। बराबर। रेडियम की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए, पूछा है। पारस पत्थर का कार्य क्या है? पूछा है। रेडियम को छूने से क्या होता है? मोस्ट टाइम भी। रेडियम कहाँ नहीं रहना चाहता? मोस्ट टाइम भी। वैज्ञानिकों ने रेडियम के साथ कैसा व्यवहार किया? मोस्ट टाइम भी। रेडियम का सहोदर कौन है? बराबर। मोस्ट टाइम भी। अभी इतना आप पूरु थाय 12 चैप्टर सुधीन जो प्रथम परीक्षा में पूछवाना है। आ बुक में तमारा टीक करवानो, जो बोले बधा प्रश्न आ बुक में था। हजू आमा पण पहला लेक्चर में तो मैं कीधु छे, गुजराती आमा भी कहूँ छू, आखी बुक वाँची लीधी हो तो ज आ प्रश्नों वाँचवा माटे बेसजो। बराबर। आना प्रश्नों पूछाय जरूरी नहीं। मोस्ट टाइम पी संभावनावाड़ा जो सवाल है ये मैं तमने कीधा आटला पूछाई शके। बराबर। आना आ पूछाय आमा थी ज पेपर निकले, एवं हूँ कोई ज डिक्लेरेशन आपतो नहीं, तो तमारे जाते प्रिपेर करवू पड़शे। आखे आखी बुक वाँची लीधी हो, सेटिस्फेक्शन आई गयो कि मारी प्रिपेरेशन पूरी थई छे, रिविजन टाइम में कया प्रश्नों वाँचवा तो ज मारा क्वेश्चन वाँचवा। विडियो जुओ, बाकी खाली मारा विडियो पर नभवू नहीं। बराबर। आभार।